हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर अपन ने 20 से 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। साथ ही मैंने उनके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। साथ के साथ में आप नोट्स बनाते चलना, उन जो 10-20 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे उनको आप साथ के साथ कॉपी में राइट डाउन करते रहना। साथ के साथ उनके अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप राइट डाउन कर लेना, ताकि एग्जाम के अंदर जो है आप एग्जाम देने बैठो तब उस चीज को अगर आप एक बार पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। आज अपन उसी क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे और उसी क्लास में और आपके एग्जाम के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने साझा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत से अगर वीडियो बना रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। तो अब अपन एक अगली क्लास जो है इसी क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो शुरुआत करते हैं देखो अपने पहले ही क्वेश्चन से। और अपना पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है अपना एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा कि भाई एलईडी जो है इसका पूर्ण रूप क्या है। ये सामने आपके सामने स्क्रीन पर एलईडी दिखाई गई है, एलईडी के फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है बताओ, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या होती है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही जो है क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। एक होता है देखो एलसीडी, क्या होता है एलसीडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहला एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा क्या है एलसीडी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो टीवी जो है उसके अंदर कौन कौन से प्राथमिक अंग जो है वो आपको प्राथमिक रंग कौन कौन से दिखाए जाते हैं, तो देखो आपको ध्यान में होना चाहिए जो रंगीन टीवी होता है, एलईडी होता है, एलसीडी होता है, उसके अंदर जो है प्राथमिक रंग तो होते ही होते हैं, उन प्राथमिक रंगों से ही जो है वो द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। तो वो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक रंग। तो देखो प्राथमिक रंग में आता है एक तो लाल, एक आता है नीला और एक आता है हरा, लाल नीला और हरा, ये तीन जो है वो क्या है प्राथमिक रंग है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरा अपना क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति है, तो बताओ कौन सी है, वो हो जाएगी ट्रेट केल। क्या हो जाएगी, ट्रेट केल, कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित किया गया है, ये क्या है ट्रेट केल, किससे निर्मित किया गया, देखो गेहूं, गेहूं प्लस राई, गेहूं और राई से मिलाकर जो है क्या बनाया गया है, ट्रेटकेल बनाया गया है। और गेहूं और राई के किससे, F1 संकर संकरण से, F1 संकर संकरण से निर्मित, संकर संकरण से निर्मित, ठीक, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक ऑप्शन है रेफनोब्रेसिका, रेफनोब्रेसिका जो है ये किस किस से, मूली तो आपने खाई होगी, मूली प्लस पत्ता गोभी, मूली प्लस पत्ता गोभी, देखो मूली और पत्ता गोभी जो है इसके संकरण से क्या प्राप्त होता है, मूली और पत्ता गोभी का अगर आप संकरण करवाते हो तो उससे आपको रेफनोब्रेसिका प्राप्त होगा। ऐसे ट्रेटकेल किससे, गेहूं और राई से, ठीक, क्या प्राप्त होगा आपको, गेहूं और राई के F1 संकर संकरण से आपको ट्रेटकेल प्राप्त होगा। यह मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य अनाज प्रजाति थी, ठीक है। उसके अलावा देखो सी ऑप्शन है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस एक प्रकार का सुनहरा चावल है, क्या है, एक प्रकार का सुनहरा चावल, इसे ही कहा जाता है सुनहरे चावल, क्या कहा जाता है बताओ, सुनहरे चावल, इसी को कहा जाता है, ठीक। इसमें महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जब मैंने विटामिन वाला अध्याय आपको पढ़ाया था तब ये चीज बहुत ही अच्छे से बताई थी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में कौन सा, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और क्या पूछा जा सकता है आपको, देखो एक गोल्डन राइस, एक होता है पॉलिश्ड राइस, क्या होता है पॉलिश्ड राइस,
एक होता है पोलिश ड्राइस। पोलिश ड्राइस में आपसे पूछ रहे बताओ पोलिश ड्राइस में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी वन। कौन सा? विटामिन बी वन। तुमसे पूछ रहे बताओ इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन। तुमसे पूछ रहे बताओ इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। क्या है बताओ? बेरी बेरी। आपसे पूछ रहे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल। क्या हो जाएगा? रेटिनोल। आपसे पूछ ले विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से होने वाला रोग एक तो है रतौंधी, रतौंधी जिसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। एक क्या है? जेरोप्थैल्मिया। कौन सा है? जेरोप्थैल्मिया, जेरोप्थैल्मिया। ठीक है, ये जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इनको भी आप साथ के साथ में राइट डाउन करते रहना, ताकि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप सुगट्टे है? ताप सुगट्टे को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ताप सुगट्टे को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। देखो पीवीसी जो है इसका यूज होता है ताप सुगट्टे के अंदर, तो पीवीसी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो पीवीसी प्लास्टिक के अंदर क्या बनाए जाते हैं? पाइप बनाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो पीवीसी का प्लास्टिक का यूज किसमें होता है? पाइप बनाने के अंदर। ठीक है, रेनकोट हो गया उसके अंदर पीवीसी का यूज होता है। ये जो है दूसरा डायग्राम कुकर का, इसमें मैंने यहाँ पे कुकर का डायग्राम क्यों रखा है? देखो कुकर का डायग्राम इसलिए रखा है क्योंकि कुकर का जो स्टैंड है, ये कुकर का जो स्टैंड है ये किसका बना होता है बताओ? बेकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। और बेकेलाइट जो है वो क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? ताप दृढ़ बहुलक। क्या बोलते हैं? ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप दृढ़ बहुलक। देखो ताप सुगट्टे और ताप दृढ़ बहुलक में बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर क्या है? जो ताप सुगट्टे बहुलक जो है इसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, गर्म करके जो है दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको? ताप सुगट्टे को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन 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 क्या जो ताप दृढ़ बहुलक है, जो थर्मो सेटिंग जो बहुलक है, थर्मोसेटिंग इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग, इसको जो है अपन गर्म करके परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिवर्तित रहता है। इसलिए ये क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक, ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। वल्कनीकृत रबड़ क्या है? देखो ये सही से टाइप नहीं, यहाँ पे है वल्कनीकृत रबड़। वल्कनीकृत रबड़ क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ की सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाने पर वल्कनीकरण रबर प्राप्त होता है। ठीक, एक चीज और आपको बता दूं, देखो रबर जो है, रबर ये सबसे पहले प्राप्त कहां से किया जाता है? देखो हेविया ब्रोंसिलेंसिस। क्या है? हेविया ब्रोंसिलेंसिस। हेविया ब्रोंसिलेंसिस नाम का एक पादप होता है। ठीक, हेविया ब्रोंसिलेंसिस नाम का एक पादप होता है, उस पर त्रिभुज के आकार के क्या किए जाते हैं? त्रिभुज के आकार के चीरे लगाए जाते हैं। ठीक है, त्रिभुज के आकार के चीरे लगाए जाते हैं, उससे फिर क्या होता है? एक लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। और वो जो लेटेक्स है उसी से क्या बनता है बताओ? रबर बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। बताओ कौन सा पादप है? हेविया ब्रोंसिलेंसिस नाम का एक पादप है, उस पर त्रिभुज के आकार के क्या लगाए जाते हैं? चीरे लगाए जाते हैं। वहां से क्या प्राप्त किया जाता है? श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे अपन कहते हैं लेटेक्स, और उस लेटेक्स से क्या होता है? रबर का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है बताओ प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह चीज आपको याद हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताओ इसका उत्तर कौन बताएगा? भाई साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? श्वसन निम्न में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन। तो श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, ये तुमसे पूछ ले बताओ प्राकृतिक गैस का दहन कैसे अभिक्रिया है?
प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी एक क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा जैसे सीमेंट जो है, सीमेंट उसका निर्माण जब हो रहा है तो सीमेंट के अंदर भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी। एग्जाम्पल बताओ गुरु जी, एग्जाम्पल है पाचन, क्या है, पाचन, डाइजेशन, क्या है, पाचन, डाइजेशन, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी आपको पता लग गया, ऊष्माक्षेपी के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन सीधा आएगा, बताओ श्वसन निम्न में से किस प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया है, ए ऑप्शन ऊष्माक्षेपी, बी ऑप्शन ऊष्माशोषी, सी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया, डी ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की एक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीमेंट का जब निर्माण होता है तब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी में होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, और ऊष्माक्षेपी में होता है ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सीमेंट के निर्माण में भी किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं चौथा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। पांचवें क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, और पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में एक सामान्य पकाने के संघटक के रूप में किया जाता है, यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है, इसमें पाया जाता है। तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, इसे कहा जाता है एथेनोइक अम्ल, कौन सा कहा जाता है, इसे कहा जाता है एथेनोइक अम्ल, क्या जाता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा देखो तुमसे पूछ रहे, बताओ सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रस कुल के पादपों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रस कुल के पादप। अब गुरुजी सिट्रस कुल के पादप कौन कौन से ये भी बताओ, तो सिट्रस कुल के पादप हैं सब नींबू, कौन कौन से हैं, नींबू, एक कागदी नींबू देखा होगा, कागदी नींबू कैसा होता है, कागदी नींबू जो है नींबू से थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़े आकार का नींबू देखा होगा वो होता है कागदी नींबू, ठीक। और क्या है, मौसमी आ गया, मौसमी, ठीक। और क्या आ गया, आंवला, ठीक, आंवला देखा होगा। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, बताओ, सिट्रस कुल के पादप, इन सब में क्या पाया जाता है, बताओ, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इन सब में क्या पाया जाता है, बताओ, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। तो इनको भी ध्यान में रखना। इसके अलावा ये लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध व दही में। अब तुम बोलो गुरु जी दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं, दूध से जब दही कन्वर्ट होता है, दूध से जब दही बनता है तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। एक देखो मांसपेशियों के अंदर, किसी दिन तुम ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए, मान लो घर पे गए 5-7 दिन, 1-2 महीने, 2-4 महीने के अंदर खूब सिटी के अंदर तैयारी कर रहे थे पढ़ाई की, उसके बाद में तुम एक दिन गाँव चले गए, ठीक। गाँव जाने के बाद लावणियों का जो सीजन चल रहा था, मतलब फसल कटाई का सीजन चल रहा था, उसमें क्या हुआ, घरवालों ने आपको डाल दिया किसमें, खेत में। आपने जो है इतने दिन तो कसरत की नहीं, मतलब जो है काम किया नहीं, आप 4-5 महीने के बाद में अगर कोई काम करते हो, शारीरिक परिश्रम का काम करते हो, तो उससे क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब वो मांसपेशियों में दर्द किस वजह से होता है, भाई मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, किसका जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमा। तो ये वो लैक्टिक अम्ल है किसमें, मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा शरीर दुखने लग जाता है। तो उसका इलाज क्या है गुरुजी, इसका इलाज ये है कि आप जो है जैसे काम करके घर पे आए, तो उसके बाद में क्या करो, आपके शरीर की मालिश करो अच्छे से। मालिश किससे करो, सरसों के तेल से कर लो, उसमें थोड़े लहसुन वसन डाल के मालिश करोगे तो जो है आपका जो है जो शारीरिक दर्द था वो सही हो जाता है। वो सही क्यों हो जाता है, देखो उसका कारण है, उसमें कारण क्या था, मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण हुआ, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ। जैसे तुम शरीर की मालिश करोगे वो लैक्टिक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है पाइरूविक अम्ल में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूविक अम्ल में। तो ये लैक्टिक अम्ल जो है ये पाइरूविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे पाइरूविक अम्ल में कन्वर्ट होगा आपको थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना। एक होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल जो है वो उसका जमा होता है हड्डियों के अंदर। आपने गाउट या गठिया रोग का नाम सुना होगा, गाउट या गठिया रोग का, गाउट या गठिया, ये दोनों एक ही रोग है, गाउट या गठिया रोग का नाम सुना होगा आपने। ये गाउट या गठिया रोग में क्या होता है, हड्डियों के अंदर जो है यूरिक एसिड का जमा हो जाता है, ठीक। ये लैक्टिक अम्ल अलग है और ये जो है यूरिक एसिड
अलग है, अलग ध्यान में रखें, इसमें आएगा यूरिक अम्ल। तो हड्डियों के अंदर यूरिक एसिड का जमा होने से होता क्या बताओ, गाउट या गठिया रोग हो जाता है। ठीक, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव से क्या होता है, शारीरिक दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। ठीक, तो ये हो गया एसिटिक अम्ल ने पढ़ी लिया। एक बच गया फार्मिक अम्ल, बताओ फार्मिक अम्ल क्या है। फार्मिक अम्ल तुमने देखा होगा चींटी, लाल चींटी व मधुमक्खी, लाल चींटी व मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है बताओ, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है सोनार, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनार युक्ति में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, बताओ सोनार के अंदर किस प्रकार की तरंगों का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, उस पर ध्यान से नोटिस करें। ठीक, देखो सबसे पहले ध्वनि, क्या ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड। ठीक, अब ये जो ध्वनि जो है ये साफ तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली अवश्रव्य, अवश्रव्य, ठीक, दूसरी है श्रव्य, तीसरी है पराश्रव्य। कौन सी है, पराश्रव्य। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिएबल, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब देखो अवश्रव्य जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है, इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम। अब आपसे पूछ ले कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति बताओ, इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अब तुम बोलोगे गुरुजी हमने तो 20,000 हर्ट्ज पढ़ रखा है, आप 20 किलो हर्ट्ज बता रहे, तो भाई साहब 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज एक ही होता है, क्योंकि एक किलो के अंदर कितना होता है 1,000, तो 20 × 1,000 कितना हो गया 20,000। तो आप क्या हो गया, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोल दो, चाहे 20,000 हर्ट्ज बोल दो। ठीक, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, से ज्यादा, भाई इस एरो का मतलब क्या है, ज्यादा। ठीक, तो इन तीन चीजों का ध्यान आपको सबसे पहले रखना है। अवश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है बताओ, ये देखो भूकंप के अंदर सबसे पहले अवश्रव्य तरंगे निकलती हैं, कौन सी तरंगे निकलती हैं, भूकंप के समय अवश्रव्य तरंगे निकलती हैं। और क्या ध्यान में रखना है, देखो इनको जो है कुत्ता जो है उसको पता लग जाता है, अवश्रव्य तरंगों का पता सबसे पहले किसको लग जाता है, कुत्ता हो गया, जैसे हाथी हो गया, इनको अवश्रव्य तरंगों का पता लग जाता है, ठीक है ना, तो अवश्रव्य तरंग। ठीक, उसके बाद में ध्वनि, ध्वनि के अंदर जो है सॉरी श्रव्य तरंगों के बारे में सब अब किसको सुनाई देता है, मानव कान जो है, मानव प्राणी जो है उसके अंदर कौन सी तरंगे होती है, श्रव्य तरंगे होती है। उसके बाद में पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंग में का उदाहरण क्या आएगा, चमगादड़, क्या आएगा, चमगादड़। ठीक, चमगादड़ किसके अंदर आएगा, पराश्रव्य के अंतर्गत आएगा, अल्ट्रासोनिक। अब अपना क्वेश्चन है कि सोनार युक्ति में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर देखो भाई आप ये बताओ इतनी आवृत्ति से काम चल जाएगा क्या, नहीं, कितनी आवृत्ति चाहिए, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा चाहिए, तो 20 किलो हर्ट्ज किस में होती है, पराश्रव्य में, इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। गुरुजी सोनार होता क्या है, सोनार क्या होता है, देखो सोनार जो है एक प्रकार की युक्ति है, पद्धति है। इसमें क्या होता है, देखो रेडिएशन डाली जाती है, रेडिएशन कहां पे डाली जाती है, जैसे समुद्र के अंदर कोई नाव जा रही, ठीक, उस नाव के अंदर जो है सोनार युक्ति से अपन पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से रेडिएशन डालते हैं नीचे पानी के अंदर। अब पानी के अंदर अगर अपने को कोई जहाज डूबा हुआ उसके बारे में पता लगाना है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसके बारे में पता लगाना है, तो सोनार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अपन ने पराश्रव्य तरंगे रेडिएशन डाली, अगर वो रेडिएशन टकरा के वापस अपने तक आ रही है, मतलब क्या हुआ कि नीचे कोई ना कोई अवरोध लगा हुआ है। भाई अगर नीचे कोई अवरोध ही नहीं होगा तो बताओ क्या पराश्रव्य तरंगे वापस लौट के आएंगे, क्या नहीं आएंगे, तो नीचे अगर कोई अवरोध है तभी तो पराश्रव्य तरंगे वापस लौट के आ रही हैं। तो पराश्रव्य तरंगे अगर वापस लौट के अपने तक आ रही हैं,
उससे अपने को पता लग जाता है कि नीचे वास्तव में कोई ना कोई अवरोध है, और उससे अपन पुराना कोई जहाज डूब गया है, कोई वस्तु डूब गई है, कोई भी जो है नीचे डूबी हुई वस्तु, उसका पता लग जाता है। तो किससे पता लगता है? सोनार से। अब गुरु जी सोनार की फुल फॉर्म भी बता दो। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग किसकी फुल फॉर्म होती है? सोनार की। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अपना छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन क्या अपना, कि किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? अब मैं देखो आपको दो चीजें बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। एक तो है मेथिल एल्कोहल। सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं एथिल एल्कोहल। एक है मेथिल एल्कोहल, ठीक। अब देखो ये जो वुड स्प्रिट है ये किसको कहा जाता है? वुड स्प्रिट कहा जाता है, बताओ किसको कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है, या एथिल एल्कोहल कहा जाता है, या इथिलीन ग्लाइकोल को कहा जाता है, या ग्लिसरॉल को कहा जाता है? तो बताओ मेथिल वुड स्प्रिट जो है ये कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। किसको कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बताओ? CH3OH। क्या होता है? CH3OH, ठीक। उसके बाद में एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ठीक। मेथिल एल्कोहल को क्या कहा जाता है? जहरीली शराब। क्या कहा जाता है? जहरीली शराब। जहरीली शराब किसे कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। ये जो एथिल एल्कोहल का है इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम बताओ, अन्य नाम किसको पता है? अन्य नाम इसका है अन्य एल्कोहल। क्या है? अन्य एल्कोहल। अब भाई अन्य एल्कोहल इसका अन्य नाम है, तो मतलब सीधी सी बात है इसका यूज किस में होगा? एल्कोहल बनाने में। तो इसका निर्माण किस में हो जाएगा? एल्कोहल बनाने में। एल्कोहल का मतलब तो समझते हो ना, एल्कोहल निर्माण में, एल्कोहल निर्माण में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले पीने योग्य शराब कौन सी है, तो वह है एथिल एल्कोहल। क्या है? पीने योग्य शराब। पीने योग्य शराब कौन सी है? एथिल एल्कोहल, ठीक। मेथिल एल्कोहल क्या है? जहरीली शराब है। मेथिल एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अंधा भी हो सकता है। इससे क्या आ जाता है? अंधापन रोग हो जाता है, ठीक। इससे मेथिल एल्कोहल को जहरीली शराब कहा जाता है, इसलिए इससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। ये कुछ चीजें थी जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा जो है वो किससे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। एक जो है मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा जो है, एक मिनट भाई, विद्युत धारा जो है, अगर आपका मात्रक पूछ ले कि बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर, एम्पियर, ठीक। और आपसे मान लो एम्पियर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पता आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा का सूत्र होता है कि नहीं होता? आई क्यू का मान क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? क्यू मतलब कूलाम और टी मतलब सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड भी किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आपने देखा होगा वी बराबर आई आर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओम के नियम से वी बराबर आई आर। यहां से अगर आई का मान आप निकालोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। वी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और आर का मात्रक क्या होता है? ओम। तो विद्युत धारा का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति ओम। इस प्रकार से विद्युत धारा के तीन मात्रक मैंने आपको बता दिए। जो भी एग्जाम में आ जाए, जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए, वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत धारा का पहला मात्रक एम्पियर, ठीक। दूसरा मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। तीसरा मात्रक वोल्ट प्रति ओम। ये तीनों ही मात्रक आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिगेली नामक रोग होता है? तो देखो उसमें क्या है, आपको मैं बता देता हूं। ये जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? आपको कैसे याद रखने? गलत, एफएम, पे, ओ, ए, ठीक।
ठीक, ये याद रखना आपको, ठीक, गलत एफ एम पे ओ ए। ठीक, अब देखो ये जो पीयूष ग्रंथि थी इसमें क्या होता है, ये आगे वाला, ये बीच वाला और ये, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और पार्स इंटरपीडिया। ये वाला भाग क्या कहलाता है, पार्स इंटरपीडिया, पार्स इंटरपीडिया। ये वाला क्या कहलाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोलते हैं, एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब देखो ये जो पीयूष ग्रंथि जो है इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है, ठीक है, मटर के दाने के जैसा इसका आकार होता है। इसके तीन भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरपीडिया और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो अगर भाग जो है उससे ये जो सारे हार्मोन हैं ये स्रावित होते हैं, गलत एफ एम पे ये अगर भाग से स्रावित होते हैं, और ओ और ए ये जो है ये पश्चिम भाग से स्रावित होते हैं। तो गुरु जी मध्य भाग से कोई हार्मोनों का श्रावण नहीं होता, क्या, नहीं, मध्य भाग से कोई भी हार्मोनों का श्रावण नहीं होता है। जो जानवर होते हैं उनके मध्य भाग से हार्मोनों का श्रावण होता है, मनुष्य के अंदर मध्य भाग से कोई भी हार्मोन का श्रावण नहीं होता है। ठीक, अब इनका नाम भी बता दो भाई, गलत एफ एम पे ओ ए, इनका नाम क्या है, जी से बनता है साहब ग्रोथ हार्मोन, क्या बनता है, जी एच, जी एच मतलब ग्रोथ हार्मोन। एल से बनता है कौन सा, एल एच हार्मोन, एल एच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए से बनता है एसी टी एच हार्मोन, एसी टी एच हार्मोन, इसको सही लिख देते हैं भाई, ऐसे कौन सा बनेगा, ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद में टी से क्या बनेगा, TSH हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद में एफ से क्या बनेगा, FSH हार्मोन। FSH की फुल फॉर्म क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद में एम से क्या बनेगा, MSH हार्मोन। MSH की फुल फॉर्म क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद में पी से क्या बनेगा, प्रोलेक्टिन। पी से क्या बनेगा, प्रोलेक्टिन। ओ से क्या बनेगा, ऑक्सीटोसिन। और ए से क्या बनेगा, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रोसिन हार्मोन। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि के द्वारा जितने भी हार्मोनों का श्रावण हो रहा था पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिए। इनके सबके कार्य अलग अलग हैं, अब अगर इनके कार्य भी बताएंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। चलो बता देते हैं फिर भी, जो अपना ये क्वेश्चन है इसका जो है मेन उत्तर क्या हो जाएगा, पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिकेली नामक रोग होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, एल एच आएगा या जी एच आएगा या टी एस एच आएगा या एफ एस एच आएगा, नहीं, इसका उत्तर आएगा जी एच, क्या आएगा, जी एच। जी एच को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, ये देखो जी एच रहा, जी एच मतलब ग्रोथ हार्मोन। और जी एच जो है ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी कमी से देखो, पहले तो बच्चों के अंदर, बच्चों में देखो इसकी कमी और अधिकता से दो रोग हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन की कमी से बताओ किसको पता है, कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग होता है बोना, छोटा बच्चा जो है वो बोना रह जाता है, बोनापन। और अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा बताओ, भीमकाय, कौन सा हो जाएगा, भीमकाय या महाकाय, या महाकाय रोग हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, ये तो थी बच्चों की बात, अब बताओ ग्रोथ हार्मोन में ना तो बोनापन आया ना भीमकाय और महाकाय आया, तो फिर तो आप तो पागल बना दिए, ऐसा तो है ही नहीं, अपने पास तो एक्रोमिगेली रोग पूछा है। नहीं देखो पूरी बात सुनो, व्यस्क अवस्था के अंदर, व्यस्क मतलब तुम सब व्यस्क हो, तुम सब क्या हो, व्यस्क हो। व्यस्क अवस्था में जो है, व्यस्त अवस्था में भी इसकी कमी से और अधिकता से दो रोग हो जाते हैं। ठीक, व्यस्क अवस्था में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सिमंड रोग, कौन सा होता है, सिमंड रोग। व्यस्क अवस्था में इसकी कमी से सिमंड रोग होता है, और व्यस्क अवस्था में इसकी अधिकता से जो रोग होता है वो है एक्रोमिगेली। अब समझ में आ गया होगा वो कौन सा रोग है, एक्रोमिगेली रोग। ठीक, एक्रोमिगेली रोग हो जाए, वो अधिकता से जो रोग होता है वो है एक्रोमिगेली। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। देखो इनके सबके अलग अलग काम है, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, महिलाओं के अंदर अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, पुरुष के अंदर शुक्र जनन को प्रेरित करता है। उसके बाद में ACTH हार्मोन, एडिनोसिन कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन श्रावण के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद में टी जो है, टी से क्या बनेगा, TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन श्रावण के लिए प्रेरित
करता है, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा, उसको बोलेगा उठो खड़े हो, सो रहे हो इतनी देर से, हाँ बोलोगे क्या काम है, उसको बोलेगा हार्मोनों का क्या करो, श्रावण करो। उसके बाद में एप, एप से बनेगा एफएसएच हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है, जो महिलाओं के अंदर जो एमसी जो है, रजोद्रम जो है, मासिक चक्कर जो है, सबको एक ही नाम है, उसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है कि भाई दो से ज्यादा 4 दिन 5 दिन तक जो है एमसी आना होता है, उसके बाद में उस पे कंट्रोल जो होता है वो होता है एफएसएच हार्मोन का। और पुरुषों में क्या काम है गुरुजी इसका, पुरुषों में इसका काम है शुक्र जनन को प्रेरित करना। ठीक, इसके बाद में एमएसएच, एमएसएच से क्या होगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप गोरे हैं, सांवले हैं, काले हैं, इस रंग का निर्धारण कौन करता है, इस रंग का निर्धारण करता है एमएसएच हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है गुरुजी, पी, पी से क्या बनेगा, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन पुरुषों में नहीं पाया जाता, इस चीज को आप ध्यान से रखें। ठीक है, प्रोलैक्टिन को जो है दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है, इसे प्रसोपीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है, और ये जो है महिलाओं के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में ओ, ओ से क्या बनेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की खोज सर्वप्रथम पिटोसिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ पिटोसिन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही पिटोसिन हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिटोसिन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक, और इसका काम क्या है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद में लास्ट क्या है, एस, ऐसे बनेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रोसिन हार्मोन। ये क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रोसिन हार्मोन क्या है, ये मूत्र निष्कासन का क्या करता है, विरोध करता है। आप जो है आपको पेशाब बार बार नहीं लगे, इसका कंट्रोल कहां से हो रहा है, ऐसे, ऐसे कौन सा, वेसोप्रोसिन हार्मोन से। ठीक है, तो ये जो है पूरी राम कहानी थी वो मैंने आपको बता दी है, आशा करता हूँ आपको याद हो गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। ग्लैंड्स नाम का एक चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, ग्रंथियां नाम से, उस ग्रंथियों नामक चैप्टर के अंदर आप ये सब चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग चीजें क्या, पूरी की पूरी चीजें आपको बता दी है, तो आप जो है याद कर सकते हो। अगला जो है अपना लास्ट प्रश्न इसमें क्या है, वो क्या है बताओ, पेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो पेशियां जो है, मसल्स जो है, उनकी कार्यात्मक इकाई क्या है, सार्कोमियर। क्या है बताओ, सार्कोमियर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सार्कोमियर। तो आशा करता हूं आज जो अपने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, बाय बाय।